स्पोर्ट्स सेंटर में इस ब्रेक के बाद देश में क्रिकेट के खुमार के बीच बना एक ऐसा कंप्यूटर जो मैच से पहले ही बताता है मुकाबले के संभावित स्कोर। ये खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे कंप्यूटर की जो मैच होने से पहले ही कर रहा है टीम और खिलाड़ियों के स्कोर्स का सही प्रेडिक्शन। एक कंपनी मुंबई की एक कंपनी है, कंप्यूटर से अब सभी को भारतीय टीम को लेकर होने वाली भविष्यवाणी का इंतजार है। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के मैच से पहले ही फ्रैक्टल एनालिटिक्स के कुछ एम्प्लॉयज ने भविष्यवाणी कर दी कि ये मैच लो स्कोरिंग रहेगा। यही नहीं, इन्होंने ब्रायन लारा और इंजमाम उल हक कितने रन बनाएंगे ये भी पता डाला। और जब इनकी प्रेडिक्शन सही हुई तो इससे सभी को बेहद हैरानी हुई। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले लोगों का इन प्रेडिक्शंस के सही होने का पूरा भरोसा था। ये भविष्यवाणी खिलाड़ियों के पिछले इनिंग्स के डेटाबेस पर आधारित है। श्रीलंका इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट इंडिया इज गोना इट विल बी अ नैरो विक्ट्री, बट इफ इट इंडिया बैट्स सेकंड इट विल बी अ कंफर्टेबल विन। और उस मैच के ना वी वॉन इन 43rd ओवर ओनली, सो इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल विन। सो दैट वॉज समथिंग लाइक कि नहीं वी कैन डू इट एंड वी कैन गेट ए गुड रिजल्ट ऑल्सो। सो दैट वॉज द बेंच मार्क, लाइक वी सेड कि लेट्स ट्राई एंड सी इफ यू कैन डू इट फॉर वर्ल्ड कप ऑल्सो। इस सॉफ्टवेयर के लिए 6 लोगों की टीम है जो दफ्तर के बाद किसी भी मैच से एक दिन पहले काम पर जुट जाते हैं। उनकी भविष्यवाणी 70 से 75% वक्त सही साबित हुई है, जैसे कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ राजकोट वनडे में राहुल द्रविड़ का स्कोर भी सही बताया था। सफलता के अच्छे प्रतिशत को देखते हुए भविष्यवाणी के इस खेल को पेशेवर बनाने के लिए अब ये प्रेरित हो गए हैं। एवरीबॉडी नोज वांट टू नो कि व्हाट्स गोना बी रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट मैच। यू हैव एस्ट्रोलॉजिकल कमिंग इनटू द पिक्चर, यू हैव टैरट रीडर, लॉट ऑफ थिंग्स। सो वी आर सेइंग हम लोग भी करके देखते हैं, वो भी गलत होते हैं, हम भी गलत होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डेफिनेटली नेक्स्ट अप विल बी आई गेस इन इंडिया स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में इतना कुछ है नहीं, तो विल बी डेफिनेटली लुकिंग इनटू दैट। अब ये देखना मजेदार रहेगा कि ये मेथड सहवाग का अगला स्कोर सही से बता सकता है या नहीं, लेकिन सहवाग के फॉर्म को देखते हुए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं लगता है। स्पोर्ट्स सेंटर के लिए मुंबई से साई महापात्रा की रिपोर्ट।